हेलो फ्रेंड, वेलकम टू ऑनलाइन फेस स्टडी। तो फ्रेंड्स, कुछ दिन के बाद मतलब बहुत दिनों के बाद मैं आया हूँ लौट कर। ओके, तो फ्रेंड देखिए, दिक्कत क्या थी कि हम लोगों ने क्या कर लिया था, हम लोगों ने अक्षांश और देशांतर यानी कि लेटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड पढ़ लिए थे, अच्छे से हमने कर लिए थे। उसके बाद हमें करना था कि भाई जो इंडिया है यानी कि जो हमारा भारत है उसका विस्तार यानी कि लेटिट्यूड की बात करें हम और यहाँ पर और लॉन्गिट्यूड की बात करें यानी कि उसका एक्सटेंट यानी कि लेटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड एक्सटेंट ऑफ इंडिया क्या है, तो कहाँ से कहाँ पर वो लाइक करता है, कितने बिटवीन के लाइक करता है, यानी कि जो है हमारा जो है किबीतू क्या है, हमारा यहाँ से किबीतू कहाँ से कहाँ तक है, जो गुहार मोती वाला पॉइंट है वो कहाँ पर है, इंदिरा पॉइंट वाला जो इंदिरा कॉल वाला पॉइंट है वो कहाँ पर है, जो केप कैमोरिन वाला जो कन्याकुमारी वाला पॉइंट है वो कहाँ पर है। ये सारे पॉइंट जो है हम इस वीडियो में देखने वाले वन बाय वन देखेंगे। तो फ्रेंड्स, सबसे पहली बात आप सभी से मेरी रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को आराम से देखिएगा, तसल्ली से देखिएगा, बैठ कर देखिएगा। देखिए, मैं आपको कुछ पॉइंट बता रहा हूं, जैसे कि मैंने बोला था आपसे कि भैया एक डिग्री देशांतर की बात करें, लॉन्गिट्यूड की बात करें, ओके, तो एक डिग्री देशांतर के बराबर 4 मिनट होते हैं। कितने होते हैं? 4 मिनट्स होते हैं, ठीक है, याद रखिएगा, मैंने ऑलरेडी बताया था ये। यानी कि आपको ये पता है कि 360 क्या होते हैं, देशांतर होते हैं, और वो भी 24 घंटे में होते हैं। कितने में? 24 आवर में होते हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि भैया ये सारी की सारी यानी कि ये सारे एक डिग्री बराबर कितने हैं? 4 मिनट हैं। तो आप देख सकते हैं 60 मिनट में 15 डिग्री जो है वो देशांतर क्या हो जाता है? 15 डिग्री। यानी अगर पृथ्वी 60 मिनट जो है घूमेगी, 60 मिनट आगे जाएगी, तो वो 15 डिग्री क्या होगा? मूव कर जाएगी, ध्यान रखिएगा, ठीक है। और मैंने भी ये बताया था कि भैया जो ग्रीन मीन बीच टाइम है यानी कि जो प्रधान माध्यान रेखा है, अगर उसके आप ईस्ट में चलोगे तो आप एक दिन प्लस रहोगे, आप अगर वेस्ट में चलोगे तो आप एक दिन वन डे माइनस रहोगे, ओके। तो ये मैंने आपको बताया था, प्रधान माध्यान रेखा यानी जो जो मेन लाइन है यानी टाइम माध्यान लाइन है, ये प्रधान जो लाइन होती है, ओके, इसके बारे में बताया था। तो फ्रेंड्स, अभी हम क्या करने वाले, ये सारे पॉइंट्स हम पढ़ेंगे। तो पहला पॉइंट हमारे दिमाग में आता है कि भैया पहला पॉइंट यानी कि देखिए, हमने अक्षांश पढ़े थे और देशांतर दोनों के दोनों पढ़ लिए। तो अक्षांश की बात करें तो हमारा अक्षांश यहाँ से स्टार्ट हो जाता है। कहाँ से? यहाँ से हमारा अक्षांश स्टार्ट हो जाता है, ठीक है, ओके, यहाँ से, ओके, यहाँ तक आएगा अक्षांश, ओके, और यहाँ तक आएगा, ठीक है। तो सबसे लाभ पहला यानी कि अगर हम बात करें, ये जो क्या है, ये पॉइंट है, सुदूर पॉइंट है, ठीक है, ओके, सदर्न मोस्ट पॉइंट है। तो हमारा जो भारत है, मैंने पहले भी बताया था आपका जो, जैसे कि मतलब पृथ्वी है, पृथ्वी की बात करें, अगर आप अक्षांश की बात करेंगे तो हमारा जो पृथ्वी है वो कहाँ पर लाई करेगा? वो उत्तरी अक्षांश में लाई करेगा। तो लेटिट्यूड कहाँ आएगा? नॉर्थ लेटिट्यूड ही आएगा, हमेशा क्या आएगा? नॉर्थ लेटिट्यूड आएगा। अगर आप देशांतर की बात करें तो ईस्ट लेटिट्यूड आएगा, क्या आएगा? ईस्ट लॉन्गिट्यूड आएगा, ठीक है, क्या आएगा? ईस्ट लॉन्गिट्यूड, क्योंकि भारत जो है यहाँ पर कहीं पर है, ठीक है। तो अगर आप देशांतर की बात करेंगे तो ईस्ट में ही आएगा, हमेशा ध्यान रखिएगा, ओके, चाहे ये वाला पॉइंट हो चाहे ऊपर वाला पॉइंट हो। अगर आपसे पूछा जाए, अगर लॉन्ग कई देशा अक्षांश की बात पूछा जाए तो नॉर्थ में ही आएंगे, क्योंकि हम नॉर्थ में हैं, देशांतर अक्षांश के हिसाब से हम कहाँ पर हैं? ऊपर की साइड है, उत्तर की साइड है, नॉर्थ की साइड है, ठीक है। तो ये चीज़, ये पॉइंट याद रखिएगा, ये मैंने आपको बता दिए हैं, और भी बहुत सारी दिए, मैं आराम आराम से आपको बातें बताते जाऊँगा। तो देखिए, यहाँ से हमारा स्टार्ट होता है पॉइंट, कहाँ से स्टार्ट होता है? यहाँ से स्टार्ट होता है पॉइंट। तो इस ये पॉइंट है, ये क्या है? गुजरात है, क्या है भाई? ये गुजरात वाला पॉइंट, ठीक है, ओके, क्या है? गुजरात वाला पॉइंट है, ठीक है, ओके। तो गुजरात की एक जगह है, लिख लीजिएगा, गुहार मोती, क्या है? गुहार, ओके, मोती, गुहार मोती से हमारी जो है स्टार्ट हो जाती है। क्या स्टार्ट हो जाती है हमारी? भाई हमारी रेखा स्टार्ट हो जाती है, प्रधान माध्यान वाली रेखा। अगर देखिए, जैसे कि मान ले बात करें हम इसकी, यहाँ पर कहीं पर इसके पीछे और आगे अगर बात करें हम, जो ग्रीन मीन बीच लाइन है वो है 0 डिग्री वाली, ठीक है, देशांतर वाली रेखा है। उसके बाद आते 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 आपको जो डिग्री है वो कितना हो गया? वो डिग्री हो गया 68, कितना हो गया? 68, ठीक है, कितना हो चुका है? वह डिग्री हो चुका है 68 डिग्री, ठीक है, 68 डिग्री 7 मिनट हो गया है। कितना हो गया? 68 डिग्री 7 मिनट हो गया है, ओके। तो यहाँ से हमारी क्या है, जो
इस वाली जो रेखा है मतलब हमारी जो ईस्ट लेट ओके यानी कि ईस्ट वाला पॉइंट है यहाँ से ईस्ट लॉन्गिट्यूड वाला जो लाइन है वो यहाँ से हमारी स्टार्ट हो जाती है। हम यहाँ से फिर से आगे चले और आगे चले और आगे चले और आगे चले, गुजरात के बाद हमें अरुणाचल प्रदेश मिला। क्या मिला? अरुणाचल प्रदेश एपी मिला। तो एपी में एक जगह है, ये वाली एक जगह है यहाँ पर कहीं पर ओके, तो इस जगह का नाम है कीवीथू। क्या नाम है? कीवीथू। ठीक है, क्या नाम है? कीवीथू ओके। अब ये यहाँ से आते 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 थे ये जो है देशांतर वाली लाइन बड़ी होगी, आगे बड़ी होगी, कैसी बड़ी होगी? आगे बढ़ेगी। तो इसका जो पॉइंट है वो कितना बढ़ गया? 90 कितना बढ़ गया? 97 डिग्री 25 मिनट। कितना बढ़ गया? 97 डिग्री 25 मिनट। इसे भी हम ईस्ट लैटिट्यूड ही सॉरी ईस्ट लॉन्गिट्यूड ही कहेंगे। क्या कहेंगे? ईस्ट लॉन्गिट्यूड ही कहेंगे। ठीक है, अब ये वाला पॉइंट कौन सा है? कीवीथू। ये वाला पॉइंट कौन सा है? गुहार मोती। ठीक है, अब ऊपर वाला पॉइंट देखते हैं आपके लिए यहाँ पर दिखाई दे रहा नहीं दिखाई दे रहा एक बार मैं देख लेता हूँ बिल्कुल ओके। एक मिनट के लिए मैं इसको ऊपर कर देता हूँ जिससे कि आपको सही से दिखाई दे जाए। ठीक है, बिल्कुल अब सही दिखेगा। ठीक है, ऊपर वाला पॉइंट ओके। तो ऊपर वाला पॉइंट जो रहेगा वह रहेगा, देखिए पहले नीचे से हम काउंट करते हैं। ठीक है, जैसे कि अगर हम बात करें यहाँ पर तो देखिए इसी मैंने ये जो है इस प्रकार बनाया। ठीक है ओके, इस प्रकार ये जो रहेगा यहाँ पर रहेगा क्या रहेगा? यहाँ पर रहेगा उत्तर, यानी कि अगर हम बात करें उत्तर की, ठीक है, नॉर्थ रहेगा और ये साउथ रहेगा। तो साउथ में जो दो है दो पॉइंट होते हैं हमारे पास, कितने होते हैं? एक तो पॉइंट होता है 8 मिनट, कितना? 8 डिग्री 6 ओके, कितने का? 6 मिनट का। और एक होता है 6 मिनट ओके सॉरी 8 डिग्री 4 मिनट का, सॉरी 8 डिग्री 4 मिनट का जो है हमारे पास एक पॉइंट होता है, और एक होता है 6 डिग्री 4 मिनट का पॉइंट। ये दो पॉइंट होते हैं। ठीक है, कहाँ पर? जो है साउथ में। बाकी आपका ईस्ट और वेस्ट में वही सेम रहता है यहाँ पर है। ठीक है ओके, क्या जो ईस्ट और वेस्ट है वहाँ पर वही सेम रहेंगे। यहाँ पर कीवीथू रहेगा ओके, यहाँ पर रहेगा गुहार मोती। ठीक है, क्या रहेगा? गुहार मोती ओके, ये दोनों सेम रहेंगे। लेकिन यहाँ पर थोड़ी सी कहानी बदल जाती है। एक पॉइंट तो हमारा यहाँ पर कहीं पर आता है कन्याकुमारी पर, तमिलनाडु कन्याकुमारी। ठीक है, ये वाला पॉइंट, इसको ये कितने से स्टार्ट होगा? ये होगा 8 डिग्री 4 मिनट से। एक पॉइंट हमारा स्टार्ट होगा जो ग्रेट अंडमान है। क्या है ये? ग्रेट अंडमान है। क्या है भैया? ये ग्रेट अंडमान है। ठीक है, लिख लीजिएगा बृहद अंडमान या ग्रेट अंडमान। ठीक है, क्या लिखना है? अंडमान। ठीक है, इसे लिख लीजिएगा बृहद अंडमान, ग्रेट अंडमान। तो एक तो हमारा स्टार्ट होता है 6 डिग्री 4 मिनट से ओके। ये क्या होगा? ये नॉर्थ लेटिट्यूड होगा। ठीक है, ये भी नॉर्थ लेटिट्यूड होगा। मैंने जैसे कहा था आपको लेटिट्यूड में ओके नॉर्थ ही लिखना पड़ेगा और लॉन्गिट्यूड में ईस्ट ही लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो ये हो गया। तो इस पॉइंट को हम बोलते हैं कन्याकुमारी। क्या बोलते हैं? कन्याकुमारी। ठीक है, इसको बोलते हैं कन्याकुमारी, और इसको एक और बोलते हैं कैप कैमूरिन। ठीक है, लिख लीजिएगा कैप कैमूरिन। ठीक है, इस वाले पॉइंट को। अब ऊपर वाले पॉइंट पे आ जाते हैं हम। ठीक है, कौन सी पर? ऊपर वाले पॉइंट पे आते हैं। ये ऊपर वाला जो पॉइंट है वो देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाता है कई बार, बहुत बार पूछा जाता है ये वाला जो पॉइंट। ठीक है, तो ये पड़ता कहाँ है? ये पड़ता है लद्दाख में। लद्दाख में पड़ता है, ये यहाँ से 8 डिग्री से बढ़कर, क्या 8 डिग्री से बढ़कर 37 मिनट, कितना 37 डिग्री 6 मिनट तक नॉर्थ लेटिट्यूड तक बढ़ जाता है। ठीक है, कितना बढ़ जाता है? 37 डिग्री 6 मिनट तक बढ़ जाता है। ठीक है ओके, यहाँ से यहाँ तक का, आगे तक का। ठीक है, अभी हमने चारों पॉइंट पढ़े। अब इसमें कुछ पॉइंट है नीचे वाले में। ठीक है, नीचे वाले में है, इसको मैं थोड़ा सा आगे इस साइड लिख दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, बाद में लिख दूंगा। अब यहाँ पर, यहाँ पर नीचे देखिए, अगर आपसे पूछे कि भैया भूमिगत जो है वो भूमिगत रेखा बताइए, भूमिगत जो है आपको पॉइंट बताना है, लेटिट्यूड बताना है, तो आप क्या बताओगे? भूमिगत तो बताओगे आप 8 डिग्री 4 मिनट। क्या बताओगे? 8 डिग्री 4 मिनट। अगर आपसे भूमिगत ना पूछे या पूछे टोटल क्या होगा, संपूर्ण क्या होगा ओके, सदर्न मोस्ट क्या होगा, सदर्न मोस्ट ओके नॉर्थ मोस्ट क्या होगा, क्या पूछे? सदर्न मोस्ट पॉइंट क्या होगा, क्या पूछे आपसे? सदर्न मोस्ट पॉइंट
पॉइंट ऑफ लेटिट्यूड पूछे आपसे, तो आप क्या बोलोगे, ग्रेट अंडमान का नाम लोगे। और ग्रेट अंडमान का नाम लेने पर क्या आता है, आपको ध्यान रखना है, इंदिरा, ओके इंदिरा, ओके पॉइंट होता है इसे इंदिरा पॉइंट बोलते हैं, एक तो इंदिरा पॉइंट बोलेंगे और इसको बोलेंगे पारसेक पॉइंट, ओके पारसेक पॉइंट बोलेंगे, इसके नाम है अलग अलग, ठीक है। पहले ये पारसेक पॉइंट था, फिर इंदिरा पॉइंट हुआ क्योंकि इंदिरा गांधी जी वहाँ पर गए थे। और इसी को पिग्मेलियन क्या बोलते हैं, पिग्मेलियन भी कहते हैं, पिग्मेलियन कहते हैं। अब देखिए, मैंने ऊपर वाले का नाम नहीं लिया, नाम नहीं लिखा, क्यों नहीं लिखा, अब मैं उसका नाम लिखूंगा। इसको बोलते इंदिरा पॉइंट, ठीक है। अब इस वाले को बोलते इंदिरा कॉल, क्या बोलते हैं, इंदिरा कॉल, ठीक है। क्या बोलेंगे इसको, इंदिरा कॉल बोलेंगे, ठीक है। क्या बोलेंगे, इंदिरा कॉल बोलेंगे, ठीक है। मैं इसको मिटा देता हूँ, ये इससे लिख लीजिए, हिंदी में लिख लीजिए, ओके इंदिरा कॉल, ठीक है। इसको बोलते इंदिरा कॉल, ठीक है। ये कहाँ पर है, ये लद्दाख में है, कहाँ पर है, लद्दाख में है, ठीक है। ये लद्दाख में है ऊपर वाला ये पॉइंट, ठीक है। अब यहाँ पे जो विस्तार है उसकी बात करते हैं। और एक और चीज़ हम देखें, यहाँ से यहाँ तक की जो किबीतू है, अरुणाचल प्रदेश से लेकर गुजरात तक की जो डिस्टेंस रहेगी वो लगभग, अगर आप घटाओगे 97 डिग्री 25 मिनट में, तो वो कितना आएगा, यहाँ से अगर आप लगाओगे, यहाँ से यहाँ तक अगर लगाओगे तो वो कितना आएगा, देखिए मैं दिखा देता हूँ यहाँ पर, ओके भी देखिए ये इंपॉर्टेंट है, ओके यहाँ से यहाँ तक, तो ये आएगा 29 डिग्री, क्या आएगा 29 डिग्री, ठीक है। कितना आएगा 29 डिग्री आएगा, ठीक है, कितना आएगा 29 डिग्री। और यहाँ से यहाँ तक आप लगा लो, कोई दिक्कत नहीं है, वैसे यहाँ से यहाँ तक ज़रूरत नहीं है इस चीज़ की, बस हमें इस चीज़ की ज़रूरत है, क्यों, 29 डिग्री की दिक्कत है, 29 डिग्री जो है वो फ्लैक्चुएट हो रहा है। यानी कि कहने का मतलब मेरा, अगर सूर्य उगेगा, कहाँ से उगता है सूरज, सूरज ईस्ट से उगता है, यहाँ से उगेगा सूरज, उगेगा तो यहाँ पर उगा पहले, ठीक है, फिर बाद में यहाँ पर दिखेगा। अब 29 डिग्री का आप इंटू कर लीजिए 4 से, कितना आ रहा 116, यानी कि 1 घंटा 1 आवर 56 मिनट, ओके 1 आवर 56 मिनट, 1 घंटा 56 मिनट आ रहा है, ओके तो आप, मैं इसे बोल लेता हूँ 2 घंटे, कितने बोल लेता हूँ 2 घंटे बोल देता हूँ, ठीक है, मैंने इसे बोला 2 घंटे, ठीक है। यानी कि कहने का मतलब मेरा ये है, अगर यहाँ पर मान लीजिए किबीतू में आपको 8, ओके किबीतू में आपका जो सन है यानी कि आपका जो सूरज है वो उगा 6 बजे, कितने बजे उगा 6 बजे, लेकिन आपको यहाँ पर 6 बजे उगा, लेकिन यहाँ पर कितने बजे दिखेगा, यहाँ पर दिखेगा 8 बजे, भाई कितने बजे दिखेगा 8 बजे दिखेगा। अब दिक्कत आ जाएगी भाई कि यहाँ पर उग रहा है 6 बजे, यहाँ पर उग रहा है 8 बजे, तो क्या हुआ कि इंडिया ने एक स्टैंडर्ड टाइम IST इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, क्या इंडियन स्टैंडर्ड टाइम को अपनाया, किसको अपनाया, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम को अपनाया, ध्यान रखिएगा किसको अपनाया, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम को अपनाया, ठीक है। तो वो है क्या, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम एक रेखा है इस प्रकार की, ठीक है, ये इमेजिनरी रेखा है, यहाँ से कितनी वाली है 82.5 डिग्री की, कितने की है 82.5 डिग्री की, ठीक है ये, ओके ये कितने की है 82.5 डिग्री की है, ठीक है लिख लीजिएगा 82.5, ओके 82.5, ओके 82.5 डिग्री की, ये क्या है, ये ईस्ट लैटिट्यूड है, ठीक है सॉरी लॉन्गिट्यूड है, ठीक है। तो ये जो है इन्होंने अपनाई, ये एक्चुअल में क्या है, ये जो है इन्होंने मान लिया है एक मध्यान रेखा मान ली है, एक समय रेखा मानी है। और ये समय रेखा जो, इससे क्वेश्चन आता है आपसे कि ये समय रेखा जो है वो एक्चुअल में समय रेखा किसको माना गया, किस बिंदु को माना गया है, तो यूपी में, कहाँ पर, यूपी में एक जगह है इलाहाबाद, क्या इलाहाबाद, ओके इलाहाबाद की एक जगह है नैनी, क्या है नैनी, और नैनी में इसको माना गया, नैनी बोल लीजिए या फिर मिर्ज़ापुर बोल लीजिए, क्या बोल लीजिए मिर्ज़ापुर, ठीक है इसका वेब सीरीज़ भी आई हुई है, क्या बोलेंगे मिर्ज़ापुर, ओके मिर्ज़ापुर, ठीक है मिर्ज़ापुर में नैनी एक जगह है, ठीक है तो इस बोल सकते हैं। तो इस जगह को क्या माना है, हमने अपना टाइम माना है, क्या माना है, इसी जगह से हमारा टाइम कैलकुलेट होगा, कहाँ से, यहाँ से, जिससे क्या है कि आपको ना तो यहाँ पर और ना तो यहाँ पर,
कन्फ्यूजन क्रिएट ना हो, ना यहाँ पर कन्फ्यूजन हो या यहाँ पर कन्फ्यूजन हो, तीनों चारों जगह पर कहीं पर कन्फ्यूजन ना हो आपको। इसलिए यहाँ पर इसको एक एक एज अ आइडियल जो है इसको इंडियन स्टैंडर्ड टाइम मान लिया गया है 82.5 डिग्री को। अब 82.5 डिग्री को जो है इंडियन स्टैंडर्ड टाइम मान लिया गया है, क्वेश्चन यहाँ से भी आता है, क्या आता है कि 82.5 डिग्री को, क्या 82.5 डिग्री को आप कन्वर्ट करेंगे तो कितना आएगा भैया, मैंने ऑलरेडी बताया था ये 5 घंटे, क्या 5 घंटे 30 मिनट आता है। तो इसका मतलब ये है कि भैया हम ईस्ट की ओर हैं, क्या है प्रधान माध्यान रेखा से हम आगे की ओर हैं, प्लस में जा रहे हैं, कैसे जा रहे हैं आगे की जा रहे हैं। तो हम 5.5 घंटे, कितने 5.5 घंटे हम कैसे हैं, हम जो है ग्रीन मीन विच टाइम से, यानी कि जो आपका प्राइम मेरिडियन टाइम है, क्या प्राइम मेरिडियन टाइम है, उससे 5.5 घंटे क्या हैं आगे हैं, कैसे हैं घंटे आगे हैं। अब आपको समझ में आएगी कि हम आगे कैसे हैं, ओके आगे कैसे हैं, क्योंकि हम जो प्राइम मेरिडियन लाइन है, जो प्रधान माध्यान रेखा है, जो कि ग्रीनविच से निकली हुई है 0 डिग्री की, उससे क्या है, उससे हम 82.5 डिग्री आगे हैं, ईस्ट में हैं। इसलिए हम क्या करते हैं, प्लस का निशान लगाते हैं, क्या लगाते हैं आपकी जो घड़ी होती है इसमें प्लस का निशान लगा होता है इसलिए, ठीक है ओके। अगर आप उस साइड होते तो माइनस का लगाते, इस साइड है तो हमने प्लस का लगा दिया, हम कितने आगे हैं 5.5 घंटे, ये कई बार पूछा गया है, ठीक है ओके। अब और भी चीज़ें निकल कर आती हैं भाई, देखिए अब आपसे क्या पूछा गया था कि भैया जो आपका क्या है, देखिए कि ऊपर से नीचे की डिस्टेंस क्या है, यानी यहाँ से यहाँ तक की पूरी आपसे पूछा लिया जाए कि कन्याकुमारी से लेकर जो है कहाँ तक, जम्मू कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक की डिस्टेंस कितनी है। तो याद रखने का बहुत ही सिंपल तरीका है 3214, कितना 3214, बिल्कुल सिंपल, कितना किलोमीटर होगा 3214 किलोमीटर, ये याद रखिएगा ओके। ये डिस्टेंस है आप जम्मू कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक का, ठीक है ध्यान रखिएगा इसको। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि अरुणाचल प्रदेश से किबूतू से लेकर गुजरात तक का पूरा डिस्टेंस कितना है, तो पूरा डिस्टेंस है 2933 किलोमीटर, कितना 2933 किलोमीटर, ठीक है ये आपको याद रखना है ओके, आराम आराम से याद हो जाएगा ठीक है। अब यहाँ पर हमारी ये चीज़ें हो गई ठीक। अब आपसे देखिए मैंने ये भी बोला था कि भैया हमारे जो है भारत से 23.5 की, कितनी 23.5 यानी उसके 23.5 की जो है जो अक्षांश रेखा निकलती है ओके, तो उसको हम कर्क रेखा बोलते हैं, क्या बोलते हैं कर्क रेखा या ट्रॉपिक ऑफ कैंसर बोलते हैं। तो ये कितने राज्यों से निकलती है, ये निकलती है आपको मैंने बताया था गुजरात से निकलती है ठीक है, फिर राजस्थान से निकलती है, MP से निकलती है, छत्तीसगढ़ से निकलती है, झारखंड से निकलती है ओके, पश्चिम बंगाल से, वेस्ट बंगाल से निकलती है ओके, वेस्ट बंगाल के बाद त्रिपुरा से निकलती है, त्रिपुरा के बाद में यहाँ पर हमने त्रिपुरा करा था, त्रिपुरा के बाद में ये जो है ये त्रिपुरा है, क्या है ये त्रिपुरा, त्रिपुरा के बाद में कहाँ से निकलती है भाई, त्रिपुरा से फिर ये निकलती है मिजोरम से, कहाँ से निकलती है मिजोरम से ठीक है ओके, मिजोरम से निकलती है, ध्यान रखिए कहाँ से निकलती है मिजोरम से। और ये यहाँ पर जो है बांग्लादेश है, पूरा एरिया क्या है ये वाला पूरा एरिया बांग्लादेश है ठीक है ओके। और बांग्लादेश के साथ साथ ये जो है म्यांमार, क्या है ये म्यांमार है ओके, क्या ये म्यांमार है ध्यान रखिएगा, ये म्यांमार से भी निकलती है ओके। आज मैंने क्लास कराई थी तो आपको याद होगा यहाँ पर आएगा म्यांमार, यहाँ पर आएगा क्या आएगा बांग्लादेश ठीक है, भारत आएगा और ऐसे करते घूमते हुए ये चाइना से भी निकलेगी, कहाँ से निकलेगी चाइना से भी निकलेगी ठीक है। कौन सी रेखा, कर्क रेखा। तो ये तो हमने 8 राज्य हमने कर्क रेखा के बताए थे, लेकिन आपसे ये पूछ लिया जाए कि भारत की जो समय रेखा है, क्या भारत की समय रेखा, इसको क्या बोलते हैं हम, इसको बोलेंगे समय रेखा, भारत की समय रेखा, समय रेखा क्या बोलेंगे, भारत की समय रेखा, इंडियन ओके IST रेखा, क्या बोलेंगे IST रेखा या इंडियन स्टैंडर्ड टाइम ओके IST वाली लाइन। अब आपसे पूछ लिया जाए कि भैया ये वाली जो रेखा है 82.5 डिग्री की रेखा कितने राज्यों से निकलती है या किस किस राज्य से निकलती है, तो आप कैसे बताओगे। मैं इसको एक मिनट के लिए मिटा रहा हूँ ओके, इसको जो है यहाँ से इरेज कर रहा हूँ, आपको फिर आराम से बताऊँगा ठीक है। कितने राज्यों से निकलती है, कौन बताएगा फ्रेंड्स, कमेंट कर दीजिएगा ठीक है। पहला राज्य आपको मिल जाएगा ऊपर ही ओके, पहला राज्य मिल जाएगा जो कि इलाहाबाद में आता है ओके, इलाहाबाद का ही ओके, इलाहाबाद जो है इसका हिस्सा है, तो UP आएगा पहला, क्या आएगा UP आएगा। दूसरा नीचे आएगा मध्य प्रदेश का कुछ हिस्सा आएगा, MP आएगा।
मध्य प्रदेश के बाद सीजे आएगा यानी छत्तीसगढ़ आएगा, छत्तीसगढ़ के बाद उड़ीसा आएगा, क्या आएगा उड़ीसा आएगा, ठीक है क्या आएगा उड़ीसा आएगा, उड़ीसा के बाद आंध्र प्रदेश, क्या आएगा आंध्र प्रदेश, ठीक है ओके ऐसे लिख लिए एपी लिख, आंध्र प्रदेश लिख लिए ओके आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश नहीं भैया आंध्र लिख लिए, आंध्र लिख लीजिए ठीक है आंध्र लिख लीजिए, ऐसे लिख लिए आंध्र आंध्र प्रदेश ठीक है। तो एक दो तीन चार पाँच, तो भैया कर्क रेखा जो है आठ राज्यों से निकलती है और आपकी जो 82.5 की IST वाली लाइन है वो पांच राज्यों से निकलती है, कहाँ कहाँ से निकलती है, यूपी से, एमपी से, सीजी से यानी कि छत्तीसगढ़ से, आपका उड़ीसा से और आपका आंध्र प्रदेश से ओके। और आपकी जो म्यांमार, आपकी जो रेखा है कौन सी वाली रेखा है ओके, ये जो रेखा है सॉरी ये ओके, ये पूरा जो डिस्टेंस है यानी कि इंदिरा कॉल वाला, जो इंदिरा कॉल वाला डिस्टेंस से लेकर आपका कन्याकुमारी तक का डिस्टेंस कितना है भाई, ये है 3214 का, कितना 3214 किलोमीटर का। अगर आप गुहार मोती से जाएं यहाँ तक किवितु जाएं तो आपका आएगा 2933 किलोमीटर ठीक है, ये हमने करा ओके। तो यहाँ पर कुछ चीज़ें आती हैं कि भैया देखिए ये आ गया क्या आ गया हमारा, एक तो कैप केमूरियन, कैप का मतलब क्या है, देखिए कैप का मतलब बताता हूँ मैं आपको, देखिए ये आपको छोटा सा यहाँ पर पॉइंट दिख रहा होगा, ऐसे ही मैं आप बना देता हूँ यहाँ पर ओके, इसको मिटालता हूँ यहाँ पर बनाता हूँ, इसके इंडिया का एक यहाँ पर से ये थोड़ा देखिए इस प्रकार बना रहा हूँ मैं ओके, ये और यहाँ पर थोड़ा सा जो है ये यहाँ पर ओके, इसके बाद ये पूरा श्रीलंका है, क्या ये पूरा श्रीलंका है, और यहाँ पर क्या है ये एक जो है क्या बना हुआ है यहाँ पर ओके, राम सेतु वाला जो है स्थान है ठीक है, कहते हैं राम सेतु वाला, तो ये स्थान है इसी को बोलते हैं कैप केमूरियन, क्या बोलते हैं कैप केमूरियन, यानी कि बाहर की ओर कैसा आके एक भूखंड, ऐसा भूखंड या फिर कहें एक भूमि का ऐसा टुकड़ा जो छोटा सा टुकड़ा निकला हो पानी की ओर निकला हो, कैसा निकला हो पानी की ओर छोटा सा टुकड़ा निकला हो ठीक है ओके, कैसा निकला हो छोटा सा टुकड़ा निकला हो ठीक है, इसको अंतर्द्वीप बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसे अंतर्द्वीप बोलते हैं, क्या बोलेंगे इससे कैप को अंतर्द्वीप, यानी कि बाहर की ओर निकला हुआ, क्या बोलेंगे बाहर की ओर निकला हुआ। अब कॉल का मतलब क्या होता है, यहाँ पर कॉल का मतलब क्या है ठीक है, तो कॉल का मतलब होता है पास ओके, पास ओके, पास या दर्रा, क्या इसे बोलेंगे दर्रा, क्या बोलेंगे पास बोलेंगे या हम इसे दर्रा बोल सकते हैं ठीक है। तो ये वाला जो पॉइंट है वो दक्षिणतम पॉइंट है, अगर आपसे पूछ लिया जाए कन्याकुमारी जो है वो कहाँ पर, तमिलनाडु में आता है ठीक है, और आपका ये सुदूर इस जो है हिस्सा है ये अंडमान में पड़ता है, पहला अगर बात करें 6.4 डिग्री से जो है अंडमान में, ग्रेट अंडमान में पड़ता है ये, इसका तीन नाम आते हैं इंदिरा पॉइंट ओके, पारसिक पॉइंट, पिग्मेलियन पॉइंट ठीक है, ग्रेट अंडमान में ये जो है पड़ता है ठीक है। लास्ट हमारा स्टार्ट कहाँ से होता है, इंडिया स्टार्ट होता है ग्रेट ओके, ग्रेट अंडमान से यानी कि इंदिरा पॉइंट से ओके, और ख़त्म कहाँ पर होता है ये लद्दाख में इंदिरा कॉल पर ठीक है। अगर हम बात करें यहाँ से कहाँ से स्टार्ट होता है, गुहार मोती से स्टार्ट होता है, यहाँ पर कहाँ पर एंड होता है, किवितु पर स्टार्ट जो है अंत होता है इसका ओके। इसी प्रकार याद रखने हैं सारी की सारी चीज़ें। तो फ्रेंड्स ये एक छोटी सी वीडियो थी आप लोगों के लिए बताने के लिए, तो आई थिंक ये सारी चीज़ आपको समझ में आई होगी, अगर समझ में आए हैं वीडियो तो इस वीडियो को कर दीजिए जल्दी से लाइक शेयर कर दीजिए, और मिलेंगे जल्दी से, और अगली वीडियो में बताऊंगा मैं आपको कि भाई जो हमारा पूरा ये स्टेट्स हैं यानी कि हमारे जो पूरे स्टेट्स हैं, मतलब ये पूरे स्टेट पड़ेंगे यहाँ पर कौन से, इस साइड वाले यानी कि भूमिगत स्टेट कौन से, कौन कौन सी जो स्टेट है यानी कि गुजरात है ओके, ये वाला गुजरात का राजस्थान होगा, ये पंजाब, और ये वाला जो पूरा हिस्सा, अब देखिए ये इस प्रकार का यहाँ पर जो हिस्सा है ये जो ओके थोड़ा सा ज़्यादा हो गया, ये वाला जो हिस्सा है ओके, ये वाला हिस्सा ये कश्मीर का हो गया, बाकी लद्दाख का हिस्सा हो गया, क्या हो गया बाकी ये लद्दाख का हिस्सा हो गया, लद्दाख बहुत बड़े एरिया में फैल गया है, तो ये लद्दाख के कुछ क्वेश्चन बदलेंगे वो हम करेंगे, अपडेट करेंगे ओके, बाकी सब कुछ वही रहेगा, और अच्छे अच्छे क्वेश्चन भी करेंगे जो है मतलब एक अपडेट के हिसाब से, करंट अफेयर के हिसाब से। तो फ्रेंड्स आई थिंक ये वीडियो आपको अच्छी लगेगी, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया कर दीजिएगा। तो थैंक यू फ्रेंड वॉचिंग दिस वीडियो, बेस्ट ऑफ आपके एग्जाम के लिए, आपके रिजल्ट के लिए।